नमस्कार, मैं मोहसिन खान। आप देख रहे हैं आपका अपना लाइव पाली न्यूज। हम आपके लिए रोजाना के घटनाक्रम को हेडलाइंस के रूप में लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। अगर आप भी हमारे न्यूज पोर्टल से जुड़ना चाहते हैं या हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पाली हेडलाइंस। रसोई घर का ग्रामवासियों एवं दानदाताओं के द्वारा पुलिस चौकी में निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। बाली तहसील के सेवड़ी गांव स्थित पुलिस विभाग की सेवड़ी में बनी चौकी में रसोई घर के अभाव में सेवड़ी चौकी के प्रभारी महेंद्र सिंह के द्वारा गांव के लोगों से चर्चा की। बताया गया कि पुलिस चौकी में कार्य कर रहे अधिकारियों को खाना बनाने की असुविधाएं होती है, साथ ही बाहर से खाना मंगवाने एवं खाने में बीमारियों का भी खतरा रहता है। इस पर गाँव के दानदाताओं ने तुरंत प्रभाव से पुलिस चौकी में काम शुरू करवाया, साथ ही सेवड़ी चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह जी के सेवड़ी चौकी प्रभारी भी बनने के बाद में समय समय पर चौकी में अनेकों कार्य करवाए गए, जिस पर दानदाताओं ने उनको धन्यवाद दिया एवं ग्रामीण ललित भाई सुथार, तुलसी भाई पालीवाल, सुरेंद्र सिंह, लक्ष्मण पालीवाल, सुकंदराज छीबा एवं चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह जी, मुरारीलाल जी मीणा, शक्ति सिंह जी, अनिल जी मीणा आदि मौजूद हुए। हिंदू सेवा समिति सदस्यों का किया बहुमान। पालना में आज चंद्र भोलेश्वर महादेव मंदिर धर्मशाला में गोड़वा चैरिटेबल ट्रस्ट बाली के द्वारा हिंदू सेवा समिति के सदस्यों द्वारा कोरोना काल में किए गए समाज उपयोगी कार्य एवं हिंदू सेवा समिति के द्वारा निभाए गए सामाजिक सरोकारों से प्रसन्न होकर गोड़वा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज हिंदू सेवा समिति के 12 सदस्यों का माला पहनाकर मोमेंटो भेंट देकर आज उनका सम्मान किया गया। सम्मानित करते हुए गोड़वा चैरिटेबल ट्रस्ट के विक्रम सिंह सोलंकी ने बताया कि हिंदू सेवा समिति जो कि पालना खुड़ाला में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है एवं समाज के हित के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, उपाध्यक्ष नरपत जैन, श्याम सिंह जोदा आदि मौजूद हुए। कोरोना प्रकोप के चलते राजधानी सहित 11 जिला मुख्यालयों पर लगाई गई धारा 144। कोरोना प्रकोप के चलते राजधानी सहित 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू है, साथ ही 5 लोग से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते। सोमवार से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर भी शुरू कर दी गई है। जिला स्तर तक वॉर रूम स्थापित होंगे, साथ ही सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोरोना समीक्षा बैठक में अहम मुख्य फैसले हुए। सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ सकती है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालय पर धारा 144। गुजरात एलिवेशन के डायरेक्टर पहुंचे हेलीकॉप्टर से पालना शहर में। पालना गुजरात एलिवेशन के डायरेक्टर कैप्टन अजय चौहान हेलीकॉप्टर से पहुंचे पालना हेलीपैड पर। क्षेत्रवासियों ने की उनकी अगुवाही। यहां से श्री शैला के लिए कार से हुए रवाना। पिता ब्रिगेडियर के एस चौहान व परिजनों से मुलाकात का है कार्यक्रम। शाम को वापस हेलीकॉप्टर से अहमदाबाद जाने का है कार्यक्रम। कैप्टन अजय चौहान पूर्व में राष्ट्रपति के ADC व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर के 10 साल तक पायलट रह चुके हैं। मारवाड़ जंक्शन बनेगा अब स्वच्छ। मारवाड़ साई संस्था ने व्यापारियों को वितरित किए कचरा पात्र। विगत लंबे समय के इंतजार के बाद मारवाड़ जंक्शन की पहली जागरूक उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया की पहल के बाद साई संस्थान द्वारा उठाए गए स्वच्छता कार्यक्रम, यातायात व्यवस्था कार्यक्रम, बाजार अतिक्रमण व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर रविवार से श्री साई दर्शन सेवा संस्थान द्वारा भामाशाहों को प्रेरित कर डोनेट करवाए गए कचरा पात्र। मारवाड़ जंक्शन के सभी बाजारों में वितरित किए जाने वाले कार्यक्रम शुरू हुए, साथ ही संस्था अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि कचरा पात्र वितरित करते ही व्यापारियों में हर्ष की लहर छा गई। मीणा ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत सभी व्यापारियों को वर्तमान में एक दुकान छोड़कर कचरा पात्र वितरित किए जा रहे हैं। जल्द ही सभी व्यापारियों को भी कचरा पात्र प्रत्येक दुकान पर दे दिए जाएंगे। मीणा ने बताया कि साई संस्थान द्वारा वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नागरिक एवं समाज सेवी प्रकाश कंडारा के परिवारजन द्वारा पुष्पेंद्र कंडारा के सहयोग से ट्रैक्टर के माध्यम से निःशुल्क सहयोग साई संस्थान को दिया जाएगा। मीणा ने सभी व्यापारियों के से आह्वान किया है कि साई संस्थान को सहयोग किया जाए। माइक द्वारा प्रचार करते हुए ट्रैक्टर बाजार में आएगा। सभी व्यापारियों व घरों में निवास करने वाले लोग भी रोजाना ट्रैक्टर में कचरा डाल सकते हैं। मारवाड़ जंक्शन में संपूर्ण बाजार में लगभग 1000 कचरा पात्र वितरित किए जाएंगे। वर्तमान में कचरा पात्र साई संस्थान को अजमेरी गेट फाटक के पास स्थित कन्हैयालाल वैष्णव अग्रवाल मिष्ठान भंडार के घिसूलाल अग्रवाल गादान में समाजसेवी हेमंत चौधरी साई संस्थान परिवार द्वारा व्यापारियों के लिए निःशुल्क वितरित किए गए हैं। तो ये थी आज की पाली हेडलाइंस। अगर ऐसी ही हेडलाइंस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।